CGPSC असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर में आज हम वीडियो का पार्ट थ्री कवर करेंगे और आज के वीडियो में हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है। और उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस पर अभी हम पूरे जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर करेंगे सिविल के, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है जरूर दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैकलस मेथड इज आल्सो नोन एज, बताना है आपको कि इसको इसमें से इसको और क्या कहते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट एरिया मेथड और मेथड ऑफ सिंगुलरिटी फंक्शन, कार्निश मेथड एंड मोमेंट एरिया मेथड, ठीक है। तो मैं बता दूं पहले आपको कि जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है हमारा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है हमारा और कार्निश मेथड जो है ये सब हमारे क्या है, फोर्स मेथड हैं, ठीक है। और मोमेंट एरिया मेथड जो हमारा है ये भी हमारा मतलब ये हमारे जो थे स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और कार्निश मेथड, ये हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। और ये हमारा मोमेंट एरिया मेथड ये हमारा है फोर्स मेथड। इसके अलावा बता दूं कि जो हमारा मेथड्स ऑफ सिंगुलरिटी फंक्शन है इसको हम बोलते हैं मैकलस मेथड, ठीक है। इसी को बोलते हैं जिस पे हमेशा बीम रहता है, इस पे हम सेक्शन काट काट के इसको जब हम सॉल्व करते हैं यहाँ से एक्स मान के, इसको बोलते हैं मैकलस मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंजुगेट बीम मेथड कैन बी डायरेक्टली यूज्ड ओनली फॉर, ठीक है। बताना है कि कंजुगेट बीम मेथड को डायरेक्टली किसमें यूज किया जाता है, तो सिंपल क्वेश्चन है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अ कंटिन्यूस बीम हैज़ अ फिक्स्ड एंड इट सपोर्ट ए, ठीक है। हम बना लेते हैं कंटिन्यूस बीम और सा सपोर्ट उसका क्या है, फिक्स है, ठीक है। एंड रोलर सपोर्ट एट बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पर बना लेते हैं हम रोलर सपोर्ट और सी भी बना लेते हैं हम रोलर सपोर्ट, ठीक है। व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ रिडेंडेंसी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। बताना हमको डिग्री ऑफ रिडेंडेंसी बताना हमको कितना होगा, तो निकाल लीजिए यहाँ पर कितना रिएक्शन आएगा। इसमें फिक्स सपोर्ट में हमारा रिएक्शन आता है थ्री रिएक्शन आता है हमारा, इसमें क्या क्या आता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल रिएक्शन वी ए, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या होता है एच ए एंड मोमेंट, ठीक है मोमेंट। तो इसमें आगे तीन रिएक्शन, इसमें आता है हमारा केवल वर्टिकल रिएक्शन रोलर में, तो एक रिएक्शन यहाँ, एक इसमें रिएक्शन यहाँ भी आएगा, तो एक यहाँ। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो गए हमारे, 3 + 1 + 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यह ध्यान रखेंगे आप, तो हमारा आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 5, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होते हैं हमारे, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एम, तो हमारे तीन जो होते हैं क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो हमारा डिग्री ऑफ रिडंडेंसी निकालने के क्या होता है हमारा, डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी क्या होती है हमारी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो हमारा टोटल रिएक्शन 5 - 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 डिग्री के लिए जो हमारा है ये बीम जो है इंडिटरमिनेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड इज आल्सो नोन एज, बताना है आपको कि स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड को दो, ठीक है। तो स्टिफनेस मेथड को हम बोलते हैं, एक बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम मेथड, ठीक है, और इसको ये बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। और उसके अलावा बता दूं कि जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स होता है हमारी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, फोर्स मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है, इसी को ये बोलते हैं फोर्स मेथड। तो इसका आंसर सही आंसर था ऑप्शन 4, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अ बीम एलिमेंट विच इज फिक्स्ड एट सपोर्ट ए, ठीक है, सपोर्ट ए पे फिक्स है कोई चीज़ बीम बोल रही है, एंड रोलर सपोर्ट एट बी, रोलर सपोर्ट बी, ठीक है। व्हाट विल द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन ऑफ सपोर्ट ए, ठीक है, क्वेश्चन सपोर्ट ए बोला गया है, सपोर्ट ए पे बताना है हमको, ठीक है, कितना स्लोप आएगा वहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, तो इसको लिए हमको कि मैं फिर से भी बनाता हूँ बीम एक बार आपके लिए, सपोर्ट ए था यहाँ पर हमारा था रोलर सपोर्ट, ठीक है। तो हमको निकालना है यहाँ पर कितना आएगा हमारा डिफ्लेक्शन, ठीक है, ऐसा बनाते हैं। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका बताऊँगा आपको मैं इसका इक्वेशन लिखने के लिए, सपोर्ट ए हमारा ये है, सपोर्ट यहाँ पर ये बी है, ठीक है। यदि आपको ए पे लिखना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, तो आपको पता है स्टिफनेस क्या होती है इसकी, तो पहले आप फिक्स एंड मूवमेंट को आप पहले लिखेंगे पहले इसका, तो क्या हो जाएगा, फिक्स एंड मूवमेंट यहाँ पर हो जाएगा तो एम एफ ए बी, ठीक है, प्लस स्टिफनेस एड करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, 2EI/L, और क्या हो जाएगा डिवाइड में यहाँ पर, यदि आप एंगल यहाँ पर आप पॉइंट ए पे निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, जिसके लिए निकालेंगे उसमें आप 2θ करेंगे, तो 2
थीटा ए, ठीक है। फिर अगले का यहाँ पर क्या है, थीटा यहाँ पर, थीटा यहाँ पर थीटा ए आएगा, यहाँ पर थीटा बी आएगा, तो थीटा बी, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम इसमें, जो उसका डिफ्रेक्शन रहेगा 3 del / L, इसको ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा डिफ्रेक्शन इक्वेशन, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो गया आपको दिख जाएगा इस ऑप्शन में, ये ठीक है सही लिखा हुआ है। जनरली यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कभी 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 यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है। तो इसमें जैसा दिया गया प्लस दिया तो प्लस लिख चलेंगे, ठीक है आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अ सिंगल लोड ऑफ 100 kN रोल्स अलॉन्ग अ गर्डर 20 मीटर स्पान, व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम बना लेते हैं डायग्राम अपना, हम ठीक है समझने के लिए। और क्या बोल रहे हैं, ये हमारा कोई सा समझ लीजिए बीम है हमारा, और हमारा कितना यहाँ पर लोड दिया आपने को, कितना रोलिंग लोड्स है, कितना दिया हमको 100 kN दिया हुआ है, ठीक है। और इसका गर्डर स्पान कितना दिया, लेंथ कितना दिया अपने को, दिया हमको 20 मीटर, तो हमको यह निकालना है इसमें बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स, ठीक है। तो इसका यदि मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊँ मैं, अगर उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है आपको पता होगा, ये बनता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ऐसा कुछ बनता है। मैक्सिमम कितना आता है बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पता होगा आपको WL/4, ठीक है। तो बस इसी में पुट कर दीजिए वैल्यू, आप W कितना दिया है हमको 100, L कितना दिया है हमने को 20, ऑफ डिवाइड बाई 4, तो 4 × 5 = 20, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा 100 × 5, कितना आ गया 500 kN, ठीक है। तो देखिए इसमें से बेंडिंग मोमेंट जो होगा कितना, किसमें दिया 500, तो 500 इसमें दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट और शियर फोर्स निकालना है, ठीक है। मतलब इसका मैं यदि आपको बताऊँ शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे अगर इसका हम, तो जैसे कि बीम है यहाँ पर हमारा आ रहा था लोड हमारा 100 का, ठीक है। तो कैसे बनेगा इसका शियर फोर्स डायग्राम, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ से देखेंगे आप तो अगर ये हमारा पॉजिटिव शियर या निगेटिव शियर, ठीक है। तो 100 का आ रहा है तो यहाँ पर जाएगा हमारा 100 kN का पॉजिटिव, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस 100 का, ठीक है। इसको समझने के लिए कैसे कर सकते हैं आप इसको, यहाँ पर यदि हमारा 100 का पॉजिटिव यहाँ पर लग रहा है, तो इसको रेसिस्ट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर से 100 kN का फोर्स रिएक्शन यहाँ से लगेगा, इसको रेसिस्ट करने के लिए शियर फोर्स जो लगेगा, ठीक है। और यहाँ से बीम को डिफ्रेक्शन होने से बचाने के लिए यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा हमारा शियर फोर्स 100 kN और बेंडिंग मोमेंट हमारा 500 kN, तो करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ पोर्टल फ्रेम में स्वेयर ड्यू टू इसेंट्रिक लोडिंग ऑन द पोर्टल फ्रेम एंड नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन ऑफ द मेंबर, ठीक है। तो पहले हम पहला कंडीशन देखते हैं, इसेंट्रिक लोडिंग ऑन पोर्टल फ्रेम, ठीक है। तो कोई ये हमारा, जैसे कि हमारा ये पोर्टल फ्रेम है, ठीक है कोई सा, तो यदि देखिए मान लीजिए यहाँ पर अगर इसका लोड लगाते हैं यदि हम, ठीक है, ऐसा कोई लोड लगता है यहाँ पर, तो ये क्या है यहाँ पर सेंट्रिसिटी कितनी जगह इसकी, यहाँ से सेंटर से कोई सी मान लीजिए सेंट्रिसिटी ए है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर फोर्स लगेगा तो एक ऐसा बकल होगा हमारा, ये हमारा कॉल, ये हमारा जो पोर्टल फ्रेम है ये हमारा ऐसा बकल हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में फेल होगा, तो सही है हमारा ऑप्शन है। सेकेंड केस देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन ऑफ मेंबर, ठीक है। तो जैसे कि देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन बोल रहा है हमारा, तो यदि कोई हमारा पोर्टल फ्रेम क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन है, मतलब कि कोई इस तरीके का हमारा कोई सेक्शन है हमारा, मान सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से कोई यदि हमारा नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन है, ठीक है, तो इसमें यदि कैसा भी लोड लगेगा हमारा तो क्या हो जाएगा, मेंबर हमारा बकल करेगा ही करेगा, ठीक है। क्योंकि सेक्शन जब यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या, लोड बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो सेक्शन जो है हमारा फेल हो जाएगा, और हमारा ये ऐसा करके पूरा ये हमारा जो कोलैप्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्या जाएगा, बोथ आंसर आर ट्रू, ठीक है, दोनों सही है हमारा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टिफनेस फॉर अ फिक्स्ड फॉर फॉरेन फिक्स्ड बीम, ठीक है। स्टिफनेस बताना है हमको फॉरेन फिक्स्ड बीम के लिए, ठीक है। तो इसके लिए बता दूंगा आपको कि यदि हमारा कोई सा, जैसे कि हमारा ये बीम है, ठीक है, फॉरेन इसका फिक्स है, ठीक है, और यदि हमारा कोई सा बीम है इसका फॉरेन क्या है, हिंज है, ठीक है, कोई सा हमारा हिंज है, ठीक है। तो देखिए फिक्स्ड के लिए क्या होता है हमारा, फिक्स्ड के लिए हमारा होता है कितना स्टिफनेस होता है हमारा 4 EI/L, ध्यान रखेंगे आप,
और इसके लिए होता है रूलर के लिए, यदि हमारा अगर हिंज सपोर्ट है हमारा अगर 4 इंच, तो क्या हो जाएगा इसके लिए 3EI/L। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था 4 इंच फिक्स लिए पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 4EY/L, और 3EI/L होगा हमारा जब 4 इंच हिंज बोलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन थे स्ट्रक्चर के जो परीक्षा में आए थे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे जो अदर टॉपिक से होते होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा जरूर दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।